हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस फर्स्ट टाइम इन बिहार, किम्स सीबी सिटी सेंटर, किम्स डेंटल स्पा इन फ्रंट ऑफ मिथिला मेनेट्री डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरिया सराय, दरभंगा। मिथिलांचल में 10 वर्षों से आईआईटी और मेडिकल में बेस्ट रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान, बिहार की बेस्ट फैकल्टी टीम, बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। बेगूसराय में निगरानी के हत्थे चढ़ा दारोगा, गिरफ्तारी के लिए मांगी थी रिश्वत। पटना की निगरानी की टीम ने बिहार के बेगूसराय के भगवानपुर थाने में पदस्थापित एक दारोगा को 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए देर शाम गिरफ्तार कर लिया। दारोगा ने गिरफ्तारी के लिए रिश्वत मांगी थी। निगरानी के हत्थे चढ़े दारोगा का नाम विनीत कुमार झा है। उसे निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के संजात गांव निवासी सौरभ कुमार अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में गांव के ही एक व्यक्ति ने उनके साथ छिनतई और मारपीट की थी। इस मामले में सौरभ कुमार ने भगवानपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। इस केस का अनुसंधान दारोगा विनीत कुमार झा कर रहे थे, लेकिन मामले को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। सौरभ ने जब दारोगा विनीत कुमार झा पर गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाया तो उन्होंने 15,000 रुपये देने को कहा। इस पूरे मामले में सौरभ कुमार ने जब देखा कि टाल मटोल किया जा रहा है और बिना पैसे दिए काम नहीं बनने वाला है, तो उन्होंने इस संबंध में पटना निगरानी विभाग में शिकायत कर दी। इसके बाद सोमवार 10 जून को निगरानी ने भगवानपुर प्रखंड कार्यालय के प्रांगण से रिश्वत के रूप में 15,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ उस दारोगा को गिरफ्तार कर लिया।